हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नफीस चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अल्लाह करम से मैं बहुत अच्छी हूँ। थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किससे रिलेटेड है। तो मिंत्रा से मैंने दो जीन्स बाय की है जो कि मैंने ऑफ़र में ली थी, उसका एक्चुअल प्राइस मैं आपको बता दूँगी। तो मैं ये भी बताऊँगी कि ये जीन्स आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए और ये मुझे सही लगे या नहीं लगे। ओके, तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जीन्स ये है जो कि मुझे ऐसे पैकेट्स में आई थी, मिंत्रा का तो ऐसे ही पैकेट आता है। तो ये है कुछ ऐसी, मैं इसका स्क्रीन पे डाल दूंगी इसका रियल पिक जो है साइट पे। तो ये है जीन्स, मुझे इसका ये चीज़ नहीं अच्छा लगा क्योंकि उसमें शो कर रहा था थोड़ा सा डल डल सा और इसमें ये बहुत ज़्यादा ब्राइट आया है। ओवरऑल ये बहुत अच्छी है और इसका जो फैब्रिक है बहुत ऐसा हार्ड सा नहीं है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। तो ये आप ले सकते हो, मेरे हिसाब से तो आप ये ले सकते हो। और इसका एक्चुअल प्राइस है 2000 और ये मुझे पड़ी थी अराउंड 699 या तो। इसका पहले मैंने, मेरे एक्चुअल जो साइज़ है वो 28 है बट ये मुझे फिट नहीं आई थी तो मुझे इसको मंगाना पड़ा था 30 में। लेकिन आपका जो साइज़ है, क्योंकि मेरा लव हैंडल थोड़ा ज़्यादा है तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन मेरा साइज़ 28 ही है तो मैं 28 ही मंगाती हूँ। बट इसमें मुझे नहीं आया 28, तो ये नीचे से ऐसा है, टाइप ऑफ मॉम जीन्स जो होती है उनकी तरह से है। और मेरे लिए तो ये वर्थ बाइंग है, बाकी आप अपना देख लेना। इसका ब्रांड है सैसफार जो कि मिंत्रा पे बहुत ही फेमस है और मैंने इसके बहुत सारे रिव्यूज़ भी देखे हैं और भी लोगों का यूट्यूब चैनल पे मैंने इसके बारे में, इस ब्रांड के बारे में देखा है, लोगों ने लिया है और अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं तो ही मैंने इसको लिया है और आप इसे ले सकते हैं। सोया दूसरी जीन्स है जिसका कि पैकेट मुझसे गायब हो गया है। तो दूसरी जीन्स है कुछ ऐसी, मुझे बहुत पर्सनली मुझे ये इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। इसकी फिटिंग वगैरह इतनी अच्छी है, इसका स्टफ जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नीचे से ये ऐसा आएगा, वॉटन टाइप जीन्स है ये और इसका ब्रांड भी है सैसफार और ये मुझे 28 में ही आई है। ये बहुत ही अच्छी फिटिंग है, ऐसा कोई बहुत टाइट नहीं है, बहुत लूज नहीं है, बीच बीच का है। और ओवरऑल इसमें ऐसे ये पॉकेट दिए हैं जैसे होते हैं, बैक में भी इसमें पॉकेट्स हैं, दो पॉकेट्स पीछे। इसमें दिया है इलास्टिक जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा इसका फिटिंग आ रहा है। और सामने ऐसे जैसे नॉर्मल होता है बटन्स दिए हैं, एक बटन है। इसका कलर जो है ऐश ग्रे है, ग्रे ऐश ग्रे डार्क ब्लू दोनों मिक्स किया हुआ इसका कलर है जो पहनने पे बहुत ही ऑसम लग रहा है। इसका फिटिंग वगैरह बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से ये वर्थ बाइंग है। इसका प्राइस, एक्चुअल प्राइस है इसका 2000, यस। ये मुझे अराउंड 800 या 900 समथिंग मिली थी। एक्चुअल जो प्राइस है मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, उसका भी मेंशन कर दूंगी जो मैंने अभी लास्ट दिखाया है, इसका भी मेंशन कर दूंगी। बाकी ये मेरी तरफ से तो 10 of 10 है। तो ये दो जीन्स थी जिसका मैंने आपको रिव्यू दिया, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और भी वीडियोज़ अभी मैं बनाऊँगी पर्पल से रिलेटेड, मीशो से रिलेटेड, और जो कि मैंने अभी मंगाए हैं प्रोडक्ट्स मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। और ये जीन्स कैसी लगी ये आप बताना और इसको ज़रूर लेना। दोनों बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी जीन्स हैं और मेरी तरफ से थम्सअप है। बाकी आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूरी हो तो ही बाहर जाइएगा, प्लीज़ बाहर मत जाइएगा क्योंकि केसेस कुछ थोड़ा बढ़ रहे हैं तो इस वजह से आप लोग बाहर प्लीज़ ना जाइए।
आपको काम है, बहुत ज़रूरी है, जिनको काम है उनको उधर निकलना ही निकलना है, फालतू में ऐसे मत जाइए, ओके। तो दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।